फोन किया, उसको बाद नहीं सुना मेरे लड़का, उसको बाद आके घर से बुला के ले गए तो हम पूछे कि कहाँ ले जा रहा है छोटू तक कि हम अपना बहन के यहाँ हलमान नगर। उसको बाद माँ भी आई ताकि ना जो थोड़ा काम है जो चल आएगी, फिर कोई अथी नहीं है कि थोड़ा बाबू के सुने कि हॉस्पिटल में। इसका मतलब है कि आपका साफ तौर से कहना है कि हाँ, वो लोग बहला फुसला करके ले हाँ, उसके आते हैं। हाँ, घर से बुला के ले गया है। हाँ, और अभी जो है क्या कर रहा है वो लोग, दूसरा नाम दिया गया, मामला दर्ज हुआ है, वो अभी घूम रहा है। दो गो बच्चा जाता है टिशनी, उसको माए हाजीगंज धमकाया है कि बाप माए के कहो न तो तुम सको वैसे कर देंगे, उन्हें केस उठाने की धमकी दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, आपका कहना है कि अपराधी जो है खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, पुलिस जो है उसको कुछ कार्रवाई नहीं। खुद हम गए सर, चार पाँच डीएसपी ही एसपी ही सब भगा दिए। एसपी के तकला बोले कि हमको लड़का के सर धमकाता है, पढ़ने जाता है, कुछ नहीं, अच्छा जाओ। एसपी के डीएसपी ही हम कह दिए हैं, वहाँ गए तो वो भी बहुत अटपट बहुत बात बोले हैं, चार मरते वो भी चल गए सर। अब कहा हम कहना है कि आप साफ तौर से आपका कहना है कि आश्वासन मिल रहा है लेकिन गिरफ्तारी नहीं, नहीं गिरफ्तारी नहीं हो रहा। क्या नाम हुआ आपका? शकुंतला देवी। कौन है आप? माँ सूरज के माँ। क्या हुआ है, आप लोग क्यों दहशत में? दहशत में वो अपराधी, अपराधी घूम रहा है खुलेआम, चार गो के लेके कि तुम ये केस उठाओ नहीं तो सब परिवार की हत्या कर देंगे हम। कौन है अपराधी? है अपराधी छोटू नाम है, पढ़ाई कर खाना नंगोला में रहता है। अच्छा। नाम के नाम अपना नाम भुवनेश्वर गिरी है। खुलेआम लड़कन सब स्कूल नहीं जा रहा है डरल। क्या मामला हुआ था कि उसका नाम पड़ा है? उसका मामला यही है कि घर से बुला के ले गया अपना बहन कन सोच को, और उसके बाद हत्या करके ऊसा मटिन के आगे बिक दी। केस किए तो पुलिस नहीं सुना, एसपी कन भी गया आदमी, पूर्वी एसपी कन गया, डीएसपी कन गया, सीनियर एसपी कन गया, डीजेपी कन लिखी शिकायत दी, फोर के जी में मुख्यमंत्री सचिवालय में भी शिकायत किया। पुलिस खाली आश्वासन देता है कि जांच हो रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं की से, एक मटे छापा नहीं मारी से। क्या लगता है कि सुशासन के सरकार में जो है? हाँ, सुशासन के सरकार, खाली नीतीश बाबू बोलते हैं कि सुशासन के सरकार है, मगर नीपा पोती करे में तेज है। हाँ, खाली ऊपरे ऊपरे बोलते हैं, गरीब के कोई अच्छी नहीं कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? किशोर कुमार मेरा नाम हुआ। कौन है मृतक? हम मामा है उसका। ठीक है, ऐसे कर लड़का सूरज कुमार को मोहल्ले का एक लड़का जिसका नाम छोटू कुमार है बुला के ले गया और हत्या कर दिया। अभी तक पुलिस चुपचाप बैठा हुआ है, कितना बार चक्कर लगा चुके हैं, एसपी ही डीएसपी ही कोई नहीं सुनता है, थाना प्रभारी भी नहीं सुनता है, अगला खुलेआम घूम रहा है, बार बार पूरे परिवार के मारने की धमकी दे रहा है कि केस वापस लो, हम लोग पूरे परिवार दहशत में है। चक्कर कहाँ कहाँ आवेदन दिए? आवेदन दिए सिटी एसपी ही दिए हैं, डीएसपी ही, थाना प्रभारी सगरू घूम रहे हैं, डीजी के यहाँ भी दिए हैं, मुख्यमंत्री आवास में दिए हैं, कोई नहीं सुन रहा है। तीन तीन चार चार बार जाके कंकड़बाग डीएसपी को भेंट किए, मुलाकात किए, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ कहता है, आश्वासन देता कि हो जाएगा, हो जाएगा, बस डेढ़ महीना से ही देख रहे हैं कि हो जाएगा, कुछ नहीं किया है, बार बार केस उठाने का धमकी, हाँ केस उठाने का धमकी दे रहा है बार बार। पूरा परिवार दहशत में, तीन गो भाई है, कोचिंग करे जाता है, रास्ता में चेक करता है कि वो सब कोचिंग नहीं जा रहा है। ये बात सिटी एसपी को भी बोले हैं कि सर बार बार धमकी दिया जा रहा है, डीएसपी नहीं सुन रहा है, हम लोग दहशत में है, पूरे परिवार कहीं बहराते नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजनंदन पासवान। आपको कौन हुआ? मेरा लड़का सूरज जिसका हत्या हुआ है, हम पिताजी हैं।